नंगे पुंगे ये कहाँ बैठेगा फिर कौन है नंगे लोग घूम रहे हैं ना ये कट नहीं तो हाँ जी भाई क्या हाल है सबके होप कि सारे ठीक होंगे तो अपने साथ आज एनएसजे भाई सला भाई जीएससी भाई और एकलव्य भाई तो आज की वीडियो स्पेशल आप लोगों की मांग पे कि यार बहुत लोग पूछते कौन सी सिटी बढ़िया कौन सी सिटी बढ़िया सिडनी बढ़िया ब्रिस्बेन बढ़िया एयरपोर्ट में क्वेरी जाए तो इधर एनएसजे भाई है जो पोर्ट में ब्रिस्बेन मूव हुए थे इधर ब्रिस्बेन वाले भाई जो 1.5-2 साल से रह रहे हैं और इधर सारे सिडनी वाले बैठे हैं तो सारे अपने अपने व्यूज पा सकते हैं जॉब्स बारे और कितने वैसे आप कमा सकते हो कितना रेंट सारा कुछ अगर मतलब यूनिक अकोमोडेशन में रहोगे हर जगह महंगा पड़ता है अगर बस में रहोगे जैसे भाई रहता है ठीक है तो जीएससी भाई तो ये घर लेके रहते हैं दो लोग तो इनका सस्ता पड़ जाता है जैसे अभी हम लोग सुबह में रहते हैं तो हम दोनों का सस्ता पड़ जाता है अगर आप सिटी में रहोगे और अपार्टमेंट्स में रहोगे तो ज़्यादा महंगा यूनिट लेके रहो वो सस्ती पड़ती है लेकिन यूनी लॉज जैसे मतलब कोई अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन वाले जो रहते हैं वो ऑफकोर्स एक्सपेंसिव रहते हैं नॉर्मल वाले से बिकॉज उसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज रहती क्लीनिंग हो गया या यू नो जिम हो गई स्विमिंग पूल भी रहता है लग्जरी का तो लग्जरी पैसा देना पड़ता है और जिस चीज़ का हमें टाइम नहीं मिलता और जॉब्स के बारे वो पोर्ट मैकेरी में पहले जॉब्स के बारे पता कर रहे हैं कि जॉब्स पोर्ट मैकेरी में कैसे थी जॉब्स हर जगह सेम ही होती हैं रेस्टोरेंट वाली पे रेट वगैरह भाई सेम ही होता है कोई फर्क नहीं होता है लेकिन वहाँ पे रीजनल में एक फायदा होता है कि वहाँ पे कंपटीशन कम होता है जॉब आपको इजीली मिल जाती है और वहाँ पे आपका ज़्यादा शोषण नहीं होता जैसे बड़े शहरों में होता है भाई के साथ बहुत हुआ भाई को लोग दो दो दिन काम पे बुलाते थे और बाद में मना कर देते थे और दो दिन के पैसे भी नहीं देते और ट्रेनिंग करके कहते थे और ट्रेनिंग के नाम पे इधर बहुत ठगते हैं तो मेरे भी कुछ जान पहचान के लिंक थे मैंने उनसे बोला कि भाई को जॉब का तो वो मेरे को कॉल मैं उनको करता था कि भाई मैं क्यों लगा के घूम रहा कि भाई मेरा एक भाई आया है उसको जॉब करवानी है हाँ कोई नहीं पता करते हैं अगले दिन फिर फोन करो हाँ मैं पता कितना ही अगला बंदा कहना दस दा और कभी अगला बंदा आगे कॉल ही नहीं करता है क्योंकि इतनी प्रभाव कोई करता ही नहीं इधर तो उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ मैं भी जैसे रीजनल में रहा हूँ रीजनल में देखो जो यंग जनता है उनके लिए इतना मजा नहीं है उनके लिए शहर बढ़िया क्योंकि क्लब्स पार्टीज और घूमने फिरने का होता है ना हम लोगों को रीजनल में ज़्यादा घूमने का नहीं है वहाँ पे मतलब नेचुरल चीज़ें ज़्यादा हैं जैसे जो भी लुकआउट पॉइंट्स वगैरह वो एक बेटर ऑप्शन है जिनको मतलब ज्यादा नेचर से प्यार है वहां चले जाओ जिनको ज्यादा लड़कियों से प्यार है जिन लड़कों को वो सिटी में आ जाओ पर कई कई आते सिर्फ पीआर पर्सपेक्टिव के लिए उनके लिए रीजनल बढ़िया हाँ तो वो रीजनल जाना ही पड़ेगा पीआर का ही सोच के आते हैं पर यहाँ आके कुछ नहीं हो सेम चीजें होती है जो इंडिया में बोली जाती है वो बात अलग इधर रीजनल इंडिया वाला रीजनल नहीं होता गाँव नहीं होता इधर सब कुछ मिलता है वहाँ पे हमारे पोर्ट मुकरी में हाँ हमारे वहाँ पे पोर्ट मुकरी में बीएमडब्ल्यू ऑडी ऑडी सबके शोरूम्स थे पर एक एक चीज जो होती है वहां पे इतना रश नहीं होता पर हर सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है पर सारी भी नहीं मिलेगी पर ये है कि नेसेसिटी तो मिलेगी मिलेगी जो आपकी जरूरत है और ब्रिस्बेन में आपका कोई एक्सपीरियंस तो ब्रिस्बेन मेरा एक्सपीरियंस अगर देखा गया तो जॉब आने से पहले मेरे को लगा कि वही रीजनल और सिटी का बहुत ज्यादा फर्क ऐसा सोचा था मैं बहुत फर्क है मतलब यू नो रीजनल होता एकदम गाँव जैसा होगा कुछ नहीं होगा अवेलेबल वैसा सोच के आया था मैं लेकिन दैट वाज अ मिस्टेक अगर मेरे को फिर से चांस मिला तो मैं प्रिफर करूंगा रीजनल एरिया में मैंने क्या बोला अरे सॉरी भैया इंटरप्ट मत करें आप जो आंसर दे रहा उसको देने दें गलती हो गया यार नहीं मैं छोड़ छोड़ के जा रहा हूं रीजनल और सिटी का मेरे को इतना फर्क लगा अगर मेरे को फिर से चांस मिला तो मैं रीजनल ले लूंगा और गोल्ड कोस्ट जाने का क्योंकि गोल्ड कोस्ट क्या है ब्रिस्बेन से क्लोज भी है एक घंटे का ड्राइव है तो कभी आपको फील हुआ कि भाई यहाँ बहुत हो गया चलो ब्रिस्बेन निकलो तेरे को अभी कुछ फील हुआ जैसे तूने एक चीज देखा है जब दीपिका बोलती है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ऐसे देखता है उसको जैसे मैं तुम शो ऐसे देखता भाई ब्रिस्बेन में जॉब उतनी इजीली नहीं मिलती जितना लोग बोलते हैं अगर आपके रेफरेंसेस हैं और कोई आपको रखा रहा है डायरेक्टली तो ऑफकोर्स मिल जाएगी लेकिन अगर आप जब नया बंदा आ रहा है जिसके कोई लिंक्स नहीं है जैसा अक्सर लोग क्या करते हैं आने से पहले भैया कोई फ्रेंड सीनियर किसी को कॉन्टैक्ट करके रखते हैं भाई मैं आने वाला हूँ लेकिन मैंने नहीं किया था मैं सोचा था कि जाते कि हो जाएगा अपना लेकिन हुआ नहीं था मेरा तो स्ट्रगल करना पड़ता होगा कैसे घर ढूंढा आपने तो फर्स्ट ऑफ ऑल घर मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे ऐसे ही कॉन्टैक्ट कर लिया था किसी गोरे को एक गोरा था उसके साथ मैं जाके रहना चालू कर दिया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि एक ग्रुप भी होता है फेसबुक का जहाँ पर देसी लोग रहते हैं उनको कॉन्टैक्ट करो ये सब मेरे को आइडिया नहीं था क्योंकि वीडियोज में फॉलो करता था लेकिन वीडियोज में भाई के वीडियोज में उतना समझ में नहीं आया था मेरे को अरे सच में क्योंकि ये पोर्ट में कैरी का था ना एक्सपीरियंस ब्रिस्बेन का कोई नहीं था जब मैं आया था ब्रिस्बेन में कोई यूट्यूबर नहीं था कोई मतलब प्रॉपर बताने वाला कोई नहीं था तो इसके लिए मैं सोचा कि ब्रिस्बेन का मैं कवर करूं
तो इसके लिए मैं ब्रिस्बेन का चालू किया, वो अलग बात है, लेकिन ये एक्सपीरियंस है जॉब्स के लिए। स्टार्टिंग में मैं काफ़ी वॉलंटियर करा, इवन फेसबुक पे इस पर मैं फ्री वाले जॉब देता था, क्या ताकि मेरे को रेफरेंस मिले, क्योंकि हर कोई पूछ रहा है रेफरेंस कहाँ है आपका, व्हाट्स योर रेफरेंस, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, नहीं इंडिया का एक्सपीरियंस है, नहीं वो दैट डजन कम, तो ऐसा होता था। तो मैं वॉलंटियर करा काफ़ी जगह, फ्री वॉलंटियर करा मैं, जैसा इवेंट्स हो गया, बुश फायर इवेंट्स में वॉलंटियर करा मैं, और जो भी स्टूडेंट वाले इवेंट्स होते उसमें वॉलंटियर करा, एज ए टेक एसोसिएट भी किया। फिर वैसे करते करते लिंक्स बने, वो लोग रेफरेंस दिए, फिर उसके बाद अप्लाई करा, तो फिर मेरे को रेस्पॉन्स आना चालू हुआ। और वहाँ मतलब ब्रिस्बेन में रेंट कितना हो जाए एक वीक का? सो रेंट अगर आप सबर्ब एरिया में 400 के करीब आपको रेंट हो जाएगा, अगर आप इंडिपेंडेंट रह रहे हो, और 200 BHK, 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 200 BHK,
रह रहे हैं आप, यू नो उसके बट डीलक्स रूम बोल के आपने इज्जत बचा ली, लेकिन आपने जो पहले कुछ एक वर्ड यूज किया ना कि आप कितना बड़ा लेना चाह रहे हो। अरे एक भाई जो शो काट रहे यार, अरे शो काटने में बहुत प्रॉब्लम होगी, अनकट रखो जितना। तो आप जीएससी भाई के बारे कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब सिडनी में आप कितने साल हो गए थे? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, तो मतलब कोई अपना एक्सपीरियंस जॉब के बारे? भाई जॉब का एक्सपीरियंस यही है कि जब भी आप आओ तो अपना इंडियन लाइसेंस लेके आओ और 3 साल पुराना हो, वो मेन जरूरी होता है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको जॉब इजीली मिल जानी है, कहीं ना कहीं से पक्की मिल जानी है। अगर लाइसेंस नहीं है तो बहुत बहुत ज़्यादा आप जब भी 18 साल के होते हो वहाँ पे लाइसेंस बनवा लो। और इंडियन चलता लाइसेंस, ऐसी बात नहीं है। इंडियन पाकिस्तानी ये अच्छा कि मेलबर्न में नहीं चलता ना, ऐसी बात नहीं है। एनएसडब्ल्यू क्वींसलैंड हर जगह चलता है, पर विक्टोरिया में ये रूल है कि आप 6 मंथ्स ही ड्राइव कर सकते हो उस पर। पर एनएसडब्ल्यू में आप जब तक आप स्टूडेंट वीजा पे तब तक आप आराम से कोई भी जॉब कर सकते हो। ये एक और ड्रॉबैक ये भी है कि सिडनी और मेलबर्न जैसे लोगों जैसे सिटीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते रहते, तो ऐसे कई स्पेशल रूल्स बनाए हुए स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिफिकल्ट करने के लिए कंडीशंस। जैसा एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, सिक्योरिटी लाइसेंस। यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स में सिक्योरिटी लाइसेंस स्टूडेंट नहीं बना सकते बिल्कुल भी, वो अगर आप क्वींसलैंड में जाओ वहाँ पर बना सकते। तो वो लोग स्पेशल रेस्ट्रिक्शन देते लाइसेंस पे कि आप ये लेके जाके म्यूचुअल रिकॉग्निशन आप नहीं ले सकते न्यू साउथ वेल्स में। बहुत लोग आ रहे थे क्यूएलडी में बना के फिर न्यू साउथ वेल्स में ले जाकर म्यूचुअल रिकॉग्निशन करा ले रहे थे। तो ऐसे कई रूल्स हैं जो सिडनी एंड विक्टोरिया में, सिडनी और न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया में ऐसे बहुत रूल्स है जो स्टूडेंट्स को टाइट करने के लिए, ताकि उनको डिस्करेज किया जाए कि यहाँ पर मत आओ, आप रीजनल एरियाज में जाओ, जैसा पर्थ है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगह पे इनकरेज करते, तो वो प्रिफर करो बेटर। मेन डिफरेंस बताओ पोर्ट मैक्वेरी और ब्रिस्बेन, मतलब जॉब्स रिलेटेड और ना स्टूडेंट्स रिलेटेड? नहीं नहीं, देखो जॉब्स का मेरे को साल हो गए, नहीं नहीं मैंने बताया ना, जॉब्स का मेरे को इतना ज्यादा फर्क नहीं लगता। रीजनल में आपको थोड़ा जल्दी मिल जाती है कम्पेयर टू बड़े शहरों में, क्योंकि बड़े शहरों में कॉम्पिटिशन ज्यादा है, छोटे शहरों में कम है, तो आपको कोई ना कोई बंदा रख ही लेता है, चाहे 2 दिन की शिफ्ट पे रखे। हाँ। क्योंकि वहाँ पे लोग कम है, एक दूसरे को सब जानते हैं, तो जॉब मिल जाती है इजीली। तो बड़े शहरों में ये नहीं है, बड़े शहरों में जनता बहुत तंग करती है। और बाकी जॉब सिर्फ रेफरेंस ही, मतलब मोस्टली रेफरेंस ही लगती है जॉब इधर, लेकिन रीजनल का एक और फायदा है, वहाँ रेफरेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, क्योंकि वहाँ पे कम लोग इतने। मैं ये टिप देना चाहूंगा, अगर आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया में कंसिडर कर रहे हो आना, तो आपके जो भी पहचान वाले जिधर भी आपको रेफरेंस मिल सकता है वैसी जगह प्रेफर कर लो, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी है जो आपको कोई बंदा अगर आपका फ्रेंड है या कोई भाई भाई है वो लोग अगर सिखा दें तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, वो प्रेफर करो बेटर है। और दूसरी बात, आप अकेले जाके अबे उनकी भी सुनो यार, दूसरी बात ये है कि आप किसी भी सिटी में आते हो, सिडनी में आते हो, एडिलेड में आते हो, ब्रिस्बेन में आते हो या मेलबर्न में आते हो, तो हर जगह एक अलग इंडियन सिडनी, जैसे जो इंडियंस है वो सिडनी में, ऐसे फेसबुक पेज है इंडियंस इन एडिलेड, ऐसा एक फेसबुक पेज है इंडियंस इन एडिलेड, इंडियंस इन ब्रिस्बेन, ये सब आगे बोलो यार, बात बताओ। ये सारे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप में आप मैसेज करो, उन लोगों को पूछो कि हाँ मैं आ रहा हूँ तो मेरे को
कुछ वो कुछ ना कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। स्टूडेंट्स की होता है जॉब्स और पढ़ाई। पढ़ाई तो हर जगह सेम है यूनिवर्सिटी, और बहुत यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो मेलबर्न में भी है, सिडनी में भी और ब्रिस्बेन में भी। बड़े शहरों में सब कॉलेज में मैक्वेरी है कि वो सिर्फ सिडनी में है ना, मैक्वेरी तो सिडनी में है। और कौन सी यूटीएस है? क्यूटी भी सिर्फ यूटीएस में है। देखो जो मेन नाम की होती है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, वो सिडनी वाली सिडनी मोस्टली यूनिवर्सिटी ऐसी भी जैसे गवर्नमेंट वाली डेक्कन यूनिवर्सिटी, पर वो सिर्फ मेलबर्न ही है। अबे बंद क्यों कर रहा है? दूसरी बात ये है कि जब भी भाई आओ। हाँ क्या कर रहा है बंदा? जब आता है पिंकी बंदे को स्ट्रेस ज्यादा बात कर रहा है।